सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम आपके सामने 2020 में आई हुई एग्जाम हुआ था उसकी जो यूपीएससी का एग्जाम था उसकी जो कट ऑफ लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि जनरल की कितनी थी। दैट इज गाइस 920 92.51। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल की 92.51, ईडब्ल्यूएस की 77.55, ये सीएससी प्रीलिम्स की है। दैट मींस कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है जो थ्री स्टेज में होता है, एक तो प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यू होता है तो प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर करने के बाद फिर मेंस में बैठते हैं और फिर इंटरव्यू में बैठते हैं। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी जनरल की आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी की 89.12 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी1, इन सब की आप देख सकते हैं। दैट मींस कि इस बार की कट ऑफ देखो जनरल की हम कंपेरिजन करते हैं तो जनरल की 92.51 थी और प्रीवियस ईयर की लगभग 110 to कितनी 110 to 120 के बीच में जाती है। कितनी 110 to 120। और उसकी उसके जगह उससे हम कंपेरिजन करें तो उससे तो काफी कम कट ऑफ गई है। दैट मीन्स कि बच्चों ने या तो पेपर टफ आए हो गए, बच्चों ने मेहनत कम की होगी, पर बच्चे मेहनत तो देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन करे तो मेहनत कोई कम नहीं करता। शायद आई थिंक और मोस्ट प्रोबेबली कि पेपर टफ आया होगा, यानी कि आपको लगभग लगभग 47 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? बेड़ा पार। दैट मींस कि आपने थोड़ी मेहनत ढंग से करनी है। क्या करनी है? मेहनत थोड़ी डीप करनी है। और कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें करो, आपको जो होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी से लगभग 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा करंट अफेयर्स से 15 to 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग देखो ये दो टॉपिक से आपका लगभग कट ऑफ क्लियर हो जाएगी अगर आपने बिल्कुल मेहनत कर दी। ऐसे काफी सारे टॉपिक होते हैं तो कोई जरूरी नहीं आपने पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आ गए तो पॉलिटी के 15 के 15 क्लियर होने चाहिए। पॉलिटी के 15 में से 10 क्वेश्चन आपने सही कर दिए और दूसरे में से ऐसे कम कम भी सही कर दिए तो भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। तो ये पेपर का बस हुआ होता है, यानी डरा देते हैं कि टफ होता है, पर टफ कुछ भी नहीं होता। आप खुद देख सकते हैं, आप पेपर देखना फिर आप खुद प्रैक्टिस करना। बाकी आप स्ट्रेटेजी चाहते हो उसकी तो हम इसके लिए लेक्चर्स भी लेंगे, वीडियो बनाएंगे, कैसे कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे कैसे क्या होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अब इसके बाद मेंस की देखते हैं। मेंस की कट ऑफ भी देखो 736 है और टोटल ओवरऑल कट ऑफ यानी मेंस और जो है क्या इंटरव्यू दोनों मिला के 944, यानी 944 वाला क्लियर है। तो देख सकते हैं पिछली बार की तुलना में तो कम है। पिछली बार आई थिंक 980 से अबव थी, 980 के आसपास थी, तो उससे लगभग 40 मार्क्स ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स कम है। तो देख सकते हैं कि भाई इस बार कट ऑफ कम गई तो बच्चों को काफी फायदा भी हुआ होगा और बाकी शायद पेपर भी टफ हुआ हो, ये कह नहीं सकते। बाकी इतना कह सकते हैं कि जो पिछली बार पेंडेमिक था, पेंडेमिक की वजह से थोड़ा प्रिपरेशन में कमी हो गई होगी, इस वजह से कट ऑफ कम चलेगी। तो जिन्होंने मेहनत की होगी उनका तो फायदा हो गया। बाकी यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं। दैट इज कट ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जीएस पेपर वन ओनली, यानी जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो पेपर होते हैं, एक तो होता है जीएस का और एक होता है जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से रिलेटेड, दैट इज GS2। उसमें रीजनिंग की जिनकी पूछी जाती है तो उसमें का मिनिमम कट ऑफ 33%, यानी उसमें 33% मार्क्स आप ले आओ तो आपका क्लियर हो जाए। 33% मार्क्स ले आओ तो आप उसमें वैलिड हो जाओगे, यानी आप अगले पेपर में देने के लिए रेडी हो जाओगे। पर 33% मार्क्स से अगर आपने ज्यादा लिया है तो वो आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। दैट मींस मैं कहने का मतलब है प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। तो इस पेपर फर्स्ट के जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डिफाइन होगी। पेपर सेकंड में 33% मार्क्स ही लाने होते हैं बस। 33% लिया तो भी आप उतने ही मार्क्स हैं, या 80% लिया तो भी उतने मार्क्स से, 100% लिया तो भी उतने मार्क्स रहेंगे। इसका इतना है कि भाई 33% मिनिमम मार्क्स चाहिए तो मेन कट ऑफ इससे डिसाइड होगी पेपर फर्स्ट से। तो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स से पेपर फर्स्ट डिसाइड होती है स्टार मार्क, दैट मींस मेंस पे यहाँ पे स्टार मार्क है, डबल स्टार मार्क है। तो सब्जेक्ट टू 10% इन ईच, यानी कि इसमें लगभग 7 सब्जेक्ट होते हैं। देखो एक तो ऐसे का होता है, एक GS1, एक GS2, एक GS3, ये चार हो गए, एक GS4 5 और दो ऑप्शनल, 7 होते हैं। और उसके अलावा दो लैंग्वेज सब्जेक्ट की भी होते हैं पर उनमें उनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती, उनसे बस उनमें फिक्स होता है कि 25% मार्क्स ले आओ। तो आप जैसे इसमें था ना 25% मार्क्स, इसमें 33% था, उसके बाद आपका आगे का काम होगा। लेकिन ये कट ऑफ में कोई इंपोर्टेंट या इंपोर्टेंस रोल नहीं ले रहे, तो उसी प्रकार जो सब्जेक्ट लैंग्वेज होते हैं उनका भी कोई रोल नहीं होता, बस वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होते हैं, उतने तो चाहिए चाहिए। 25% उनमें ले आओ तो आप आगे के पेपर में बैठने के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। तो ऐसे GS1 और ये सारे 7 सब्जेक्ट उनमें कम से कम 10-10% सब में मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके मांग चलो 1000 मार्क्स आ गए, लेकिन बाई चांस सपोज कर होना नहीं चाहिए ऐसा, पर GS1 में आपके 10% से भी कम आए तो आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि वेर एवर टू और मोर कैंडिडेट्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख रखा है कि जब दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स सेम मार्क्स लाते हैं तब उनकी रैंक टाई हो जाएगी वैसे देखी जाए तो, लेकिन हम टाई अप नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं कैसे भाई किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। तो उनको ऊपर रखेंगे जिनकी कंपल्सरी पेपर, क्या कंपल्सरी पेपर यहाँ पे दे सकते हैं आप, मेंस एमेंस में एस जीएस वन जीएस टू जीएस थ्री फोर होते हैं ना, ये तो कंपल्सरी होते हैं, और ऑप्शनल होते हैं वन और टू, दो ऑप्शनल पेपर होते हैं, उनमें से हम अपना कोई सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे कोई हिस्ट्री चूज करता है, कोई इकोनॉमिक्स, कोई मैथमेटिक्स, जो भी चूज करते हैं। तो जो ये पांच ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, उनमें जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उनका उसको हाई रैंक आ जाएगी, है ना। अगर मान के चलो ओवरऑल मार्क्स इक्वल है और जो क्या जो कंपल्सरी पेपर है, ये चार बताए थे ना मैं, पांच बताए थे, इन पांचों पेपरों में भी इक्वल मार्क्स हैं, तब कैसे डिसाइड करें, तब हम जो एज जिसकी हाई होगी उसको हम सीनियर प्रायोरिटी देंगे, यानी जो ज्यादा उम्र का होगा उसको आगे की रैंक देंगे। सो गाइस कट ऑफ भी बता दी, कैसे रैंक डिसाइड होती है ये भी बता दिया, और उसके बाद ये भी बता दिया कि भाई कौन कौन से पेपर होते हैं, 33% मार्क्स रूल क्या ये बता दिया। बाकी आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम इसके ऊपर सारा सेशन बता देंगे, प्रीलिम्स क्या होता है, कैसे कैसे क्या आता है, कैसे क्या चीज होती है, मेंस में क्या होता है, और उसके बाद कट ऑफ कैसे निकाली जाती है, और कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व या फिर फाइट कर सकते हैं, हम आगे अपना ड्रीम जॉब ले सकते हैं। सो कमेंट करके बता दीजिए, और हमें ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा सी यू सून।